होना चाहिए। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि भीड़भाड़ के जितने भी इलाके, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, या फिर चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इस तरह की जो भी जगह है जहाँ पर भीड़ लगती है, वहाँ पर ये छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहबगंज के रहने वाले हैं, अपने गांव के आसपास के बच्चों को 10 से 12 हज़ार रुपया मैं हर महीने की सैलरी के रूप में वहां से लेके आते हैं यहां पे, और यहां लाने के बाद ये बच्चे को छोड़ देते हैं किसी भीड़भाड़ वाली जगह पे, उसको एक झोला दे देते हैं, और वह बच्चा बड़ी सफाई के साथ में वो फ़ोन को चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में पास में जो भी बड़ा खड़ा रहता है, बड़ा व्यक्ति, उसको वो दे देते हैं अपने गिरोह के सदस्य को, और उसके बाद में वहां से वो गायब हो जाते हैं। इस तरह इन्होंने 31 तारीख को ओरियन मॉल के अंदर कई घटनाएं की, वी मार्ट में कई घटनाएं की, बेतियाहता में भी इस तरह की घटनाएं की। इस तरह की बार बार घटना होने की सूचना मिलने पर थाना कैंट द्वारा एम पुलिस को एक्टिव किया, और फिर आज इन्होंने 11 मोबाइल, जो कि करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की मोबाइल हैं, और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7,500 रुपये के आसपास नकदी भी बरामद हुई है। सर, गोरखपुर के अलावा ये कहीं और भी घटना? गोरखपुर में आपको ये बता दूँ, उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थाना कैंट द्वारा ही कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, फिर उनको बाल अपचारी होने के नाते चाइल्ड हेल्पलाइन में दे दिया था ताकि सुधार हो, लेकिन उसके बाद में बच्चा फिर दोबारा पकड़ा गया, फिर उसको बाल अपचारी होने के नाते बाल संरक्षण गृह में भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी कोर्ट ने उनको 3 दिन में जमानत दे दी, उसके बाद में फिर आज फिर पकड़ा गया है, तो फिर से विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। किस तरह ये चोरी करते थे? ये भीड़भाड़ वाली जगहों पे जब व्यक्ति अपनी कोई सामान खरीदने, सब्जी खरीदने या मॉल में कहीं बिजी रहता है, उसी समय ये बिना पलक झपके तुरंत से मोबाइल को निकाल लेते हैं बड़ी सफाई के साथ, वही इनका एक्सपर्टीज है। और लेकिन गोरखपुर पुलिस और कैंट पुलिस स्पेशली, इससे पहले भी इन्होंने एक गैंग जो रेलवे चौकी प्रभारी है उनके निर्देशन में उन्होंने अच्छा काम किया था, और इस बार चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा ये एक अच्छी गैंग का है वो खुलासा किया गया। थैंक यू।